राम प्रसाद यादव भाई, मसौरा जामकोट पारा में है। 15 साल हुआ था हम लोग वो कुआं बनाए थे, उसमें ना कुछ ठंडा पानी निकल रहा था। अभी यदि आकाश बिजली गिरा है, 6 महीना हुआ है, उसमें ना पूरा गर्म पानी निकल रहा है, छीने नहीं हो रहा है। तो इसके पानी से आप निस्तारी करते हो, पीने का उपयोग करते हो? पीने का उपयोग नहीं करते, लेकिन नहाते हैं। आप पहले पी रहे थे, 6 महीना हुआ, जैसे आकाश बिजली गिरा उतना समय से नहीं पी रहे। इस वक्त अभी हम खड़े हैं कोंडागांव विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत मसौरा, जो कि नेशनल हाईवे ठीक बाजू में बसता है यह पंचायत। और यहां पर है राम प्रसाद यादव जी का घर, जिन्होंने अपने आंगन में आज से 15 वर्ष पूर्व एक कुएं का निर्माण कराया था और उस कुएं में एक रिंग डाल रखा था। और इस कुएं का पानी उस दौरान एक शीतल एवं ठंडा पानी निर्मित होता था। जब उस वक्त राम प्रसाद यादव जी इस पानी को पिया करते थे, उसके परिवार निस्तारी में इस पानी का उपयोग किया करते थे। लेकिन मई 2022 को इनके आंगन में आकाशीय बिजली गिरने के बाद से इस कुएं का जल स्तर में परिवर्तन आया और इस कुएं का पानी का तापमान आज लगभग 50 डिग्री तापमान में मापा गया है। राम यादव है, मसौरा जामकोट पारक में। अपने यहाँ भी कुआं है, लेकिन ठंडा पानी आ रहा है। पड़ोसी कुआं है, वहाँ गर्म पानी आ रहा है। हालांकि लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग द्वारा अब तक इस कुएं का पानी का परीक्षण नहीं किया गया, लेकिन जानकारों के माने तो इस कुएं में गंधक, सल्फर एवं फास्फोरस की मात्रा अधिकतम पाई जानी बताई जा सकती है। और तब से राम प्रसाद यादव जी इस कुएं का पानी का सेवन नहीं करते। उन्होंने बताया कि आज हम इस पानी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ नहाने में उपयोग लाते हैं, जो कि एक बाल्टी पानी में 2 बाल्टी ठंडा पानी मिलाकर नहाया करते हैं। इस तरह का कुआं बस्तर संभाग में पहली बार देखने एवं सुनने को मिला है, जिसके कारण इस क्षेत्र में यह कुआं कौतूहल का विषय बना हुआ है। मैं खीरेंद्र यादव, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।